अच्छा एक बात बताओ वरुण, आज पहली बार पूछ रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर वाले लोग भी आए हैं, खास बात है इसका, सोचिएगा जरूर। तुम प्यार करती हो किसी से? बाबूजी बुआ दीजिए, हाँ भैया जबरदस्ती बोल रहे हैं, हाँ हाँ अब कुछ यार, यानी कि अब क्या यार, अपना वाला हमको दे रहे हैं इतना दानी। अरे उनकी बोली तो बुड्ढी हो गई, अब वो कैमरा सामने मुंह छिपा लिए, काहे हो अब बताइए, अब शर्म लग रहा है हमको, खूब बोला। नहीं नहीं लेकिन बताओ ना, सही बताओ ना, देखो यहाँ चाची लोग हैं ना, मम्मी है, चाची है, बहन है, यदि तुम्हें पसंद होगी ना तो सब लोगों से चंदा लेकर के तुम्हारा शादी किया जाएगा। चंदा लेकर के एक लोग चंदा लेकर जागरण करवाते हैं, हम चंदा लेकर तुम्हारा शादी करवाएंगे। वाह वाह वाह, अरे यानी कि मैं शूटिंग करने गया था ना, एक आदमी बोल रहे थे क्या कि इतना अच्छा, मैं बोल दो बोल दो बोल दो, डर के मारे सुसु भी लग गया, इधर बोल दे कि सर डर किससे लग रहा है, बोल दे टिक भैया, बोल दो सुसु लग गया, इधर कर ले जा रहे हैं, कर दे तब तक कहां जा रहे, बोल दो लेकिन बात बोल दो, सब लोग सुन ले। एक अंकल ने बोला कि मेरी बेटी से शादी कर, अच्छा दमोद बनो, बहुत हंसी लग रही, अच्छा बोल रहे थे मेरी बेटी से शादी करोगे, दमाद बनो खुलिया, तो तुमने दहेज भी मांगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो बोल, हम तो घूम के चले गए। अच्छा मतलब तुमको लड़की पसंद है? अरे नहीं नहीं, आ घूम के चले गए मतलब, अच्छा जब लड़के घूम करके चले जाते इसका मतलब होता है ना कि शादी डन भाई, लड़की पसंद है, इसका मन भी है शादी करने का। हम लड़के थोड़े हैं, लड़की का बात किया, हम लड़का का बात करिए। अरे हम भी लड़के का ही कह रहे, लड़का जब शर्मा के चला जाता है ना, और लड़की जब रहती है तब शर्माती है तो समझो कि उसको पसंद है, और लड़का जब शर्मा के चला जाता है तब होता है। हम लड़के को ही नहीं देखे, समझ लीजिए। देखो वहाँ से राजू जी हंस रहे हैं ना, उनको भी पसंद है। चलिए अब क्या बोला जाए, गाड़ी एक वो साड़ी साड़ी खींचने वाला गाना गा दो, फरमाइश आया है दूसरा के टांग धक के खींचना बा, वीडियो बनाइए कि दूसरा के टांग धक के खींचना बा, कि पियावा साड़ी खींचना बा, राइटर तुम ही हो? राइटर हम ही हैं, लिरिक्सर हम ही हैं, गाने वाला भी हम ही हैं। हेलो, तो मतलब ये काम करने वाला भी यही होगा ना जी, जब सब ये किया है तो आगे वाला काम तो यही करेगा। एक घड़ी नायिका युग में सारी फीचर तलो, हाँ तो अंश भी वही कर रहा है ना, दूसरा के टांग लगा के खींचना बा, आई अंश वाला साड़ी खींचना बा, सोचिए नया मिलेगा, नया मिलेगा इन लोगों का, यही अगर मैं, मेरा अभी शादी हो रहा है तो मैं फिसते 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 मैं खींचना बन जाऊंगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर सकता ठीक है, हम देख लेंगे, समझ गया ना, समझे कि नहीं, बता दीजिए, समझ गई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। चलो अब तब तक कुछ गाने हो जाए, फिर तुम्हारा एक गाना सुनेंगे हम लोग, ठीक, ये गाता भी बहुत अच्छा है, डांस दीजिएगा उस शादी वाला, आप लोग भी भुला दीजिए, भुला दीजिए, वो एक पेपर पर आया उड़ गया, भुला दीजिए, ऐसा कैसे भुला देंगे, कल YouTube पर देख लेंगे तो भाई हो गया, मेरा शादी का फिक्स हुआ, तोड़ दिए इसका शादी हुआ फिक्स, हमें लग रहा है बुआ रहा है। दीदी आपने जो एक बात आवाज बढ़ाई है, आवाज में बढ़ाइए जी, हाँ बोलो। हेलो दीदी, आपने जो एक बात गाना में बोली है, यानी कि कौन है यहाँ पे, आप ही हैं यूपी की दी, एक गली हम तोरे खातिर आइल बने, अच्छा तुम ये बिहार से आए ना इसलिए करे, ये यूपी की है ना, तो तुम बिहार से इसके लिए आए हो, तो तुमको यहीं छोड़ दो फिर, नहीं 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 चलता रहता है, भी आएंगे हमारे बिहार, ऐसा चलता रहता है, ये भी है कि तुम्हारे फिर मतलब यहाँ पर तुम आए हो इसलिए तारीफ कर रहे हो, लेकिन इन कितना बदमाश है, इसको कौन कौन जानता है, ये प्यारा भाई है हमारा, सबको प्रणाम करे हो, सभी को मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, पैर छूटे पर पैर नहीं है स्टेज है, कोई बात नहीं, एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, ताली बजा दीजिए,
क्या बात है। और एक बार कुत्ते की आवाज इन लोगों को सुना दो। ये मसुआया हुआ ताली लग रहा है कि उसमें जो उस पर रहा है पटाखा मसुआ गया। अरे जोरदार बजाइएगा एक साथ, ठीक है। मैं इस स्टेज पे निशा दीदी के माध्यम से आया हूँ, तो निशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। निशा दीदी आपको चलो, ठीक है, ठीक है। तो निशा दीदी को जितने भी लोग देख रहे हैं YouTube पे वीडियो में, जहाँ पे भी देख रहे हैं YouTube पे भी, Facebook पे भी देख रहे हैं, अंकेश अंकल कहाँ गए? यहाँ पे बहुत अंकेश अंकल है, बहुत अंकेश अंकल, और वहाँ पे बैठे हुए, वाह बड़ा बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं। आवाज बोल रही है, बढ़िया हमको बस बता दीजिए कि इको का होता है, इसब का होता है, हम अपने जाके बता लेंगे। हेलो हेलो, और बढ़ाइए उठाइए, लालू जी का आवाज बोल रहा है। अब टेंटे टेंटे करने लगेगा, बस कम कर दीजिए। हाँ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लालू जी की मिमिक्री कर सुनाता हूँ। मरंगल और बर्तर जगह पर मेरा जो फेमस लोग कुर्सी लाना पड़ेगा लगता है, जब यहाँ जूम कर सकते हैं तब कहे कुर्सी लगवा रहे हैं बेइज्जती के लिए। तुम इतने छोटे हो कि तुमको कुर्सी पर ही चलाना पड़ता है। तुम कुर्सियां कलाकार हो ना, इसलिए चढ़ो, क्योंकि तुम इतना ही छोटे हो, उतना ही मैं ज्यादा लंबी हूँ, तो फिर कट जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वैसे भी मुझे से ज़ूम नहीं कर सकते तो चलो बोलो। हाँ, और मैं ये बोला हूँ कि एक और राजकुमार जी के मैं डायलॉग सुनाता हूँ। अजानी मैंने नया नया सीखा, हम तुझे गोली मारेंगे और जरूर पड़े 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 पड़े, इसमें आवाज दीजिए ना, लग रहा है तो प्लेन कर दी है, प्लेन हेलीकॉप्टर कर दी तो। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए ठीक ठाक। और मैं एक और मिमिक्री करने जा रहा हूँ कोयल का। मुर्गा का ठीक है, डबल हो रहा क्या? मुर्गे जब कटते हैं तो मुर्गा जब कटता है तब, जब काटने जो लेते हो जाते होंगे ना लेने के लिए, एक किलो दो किलो दोनों एक ही है। कैसा? वही मुर्गा मुर्गी। अरे वही एक कैसे मुर्गी कौन करता है? समझ गया समझ गया, ये लोग समझ, कैमरे वाले कोई नहीं समझा लेकिन कैमरे वाले समझ गए। मुर्गा तो तू है ना, तू कट रहे जाएगा, मैं थोड़ी कटूंगी। अरे मुर्गा, यस, पहले तो कुत्ता भी होता है, फिर अब तो मुर्गा भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोच सोच लो कि तुम जब कटने वाले होगे मुर्गा, तो फिर कैसे आवाज निकालोगे? लेकिन कटने वाला नहीं हूं, प्लीज माफ कीजिएगा, ठीक है। और आनंद मोहन जी का आवाज जो कि मैंने नए नए सीखा वो सुना रहा हूँ। अरे बोले लगो रंगकार लग रहा, कौन बोली बनेगा इधर बोले जी बोले, अरे बोले लगो रंगकार लग रहा है बोले, अब अच्छा सब बोल बने हुए हैं, अन्य तो बिहार में लगता है वाल वाल चेंज हो रहा है, पटरी से खुना पटरी चेंज हो रहा है पटरी। और अच्छा मान लो कि दूसरे गांव का कुत्ता दूसरे गांव में जब चल जाए, अकेला कुत्ता हो लड़ता है, समझ गए निशान जी, आधा ही बात तो लेकिन समझ जाएंगे लोग, लड़ रहा है कुत्ता कौन है, समझ गए ना? बोलो बोलो लड़ने वाले बोलो, प्लीज दीदी अब इतना मैं नहीं सह सकता, दीदी अब इतना मैं नहीं सह सकता, ट्रेन में लोग बोले तू कुत्ता, सही तो बोल रहे थे तुम कुत्ता ही तो, दीदी तुमको कुत्ता बोलते हैं, यस कोई बात नहीं, दीदी के नजर में तो भाई कुत्ता ही होता है, सही बात, माँ के नजर माँ के नजर में गाय होता है, बाप के नजर में शेर होता है, दीदी के नजर में कुत्ता है तू कुत्ता। कहाँ से ये सीखा? अच्छा ठीक है, मतलब अब जो सुनेगा लोग यूट्यूब तो कहेगा कि अरे बहन तू देख ले तो बहन कुत्ता ही बोलती है, ऐसा कोई नहीं है, हर बहन ये बात मजाक, जब गुस्सा में होती है बहन तो भाई को कुत्ता बोलती है, नहीं तो ऐसे तो बोलती कि मेरा भाई मेरा हीरो है, बोलती है ना जी,
ये तो बात बोलो पॉजिटिव कोई बात नहीं मैं लड़ने वाला बात करता हूँ जिसके भ्रष्टाचार खत्म हो सके। अच्छा सलमान खान जी वाला आवाज सलमान खान जी शाहरुख खान जी बेइज्जती करवा दीजिए गरम से तुम मैं छोड़ के मत जाओ पापा थोड़ा सा मोबाइल ले मोबाइल थोड़ा सा के साथ में थोड़ा सा एक्टिंग के साथ ये वाला पकड़िए ना कोई आप पकड़ रही चल तुम मैं छोड़ के मत जाओ और थंबनेल में लिखेगा उनके साथ कि अंश बाबू ने ऐसा बनाया था कि पेट फूल फूल के फट गया उतना भी नहीं पटने वाला बरसात वाली मौसम लग रही है कोई बता के संग रात जाकर हंसिएगा मत समझ गए ना नाना पाठ कर जी की आवाज आवाज अच्छा अच्छा चल चल ये रख पकड़े हैं ये स्टेज में हम कब डांस करते हैं ऊपर नीचे कर रहा था हमको डर डर लग रहा है। अच्छा ठीक है चलो करो बोलो 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 सुनाता हूं अच्छा अरे ला 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 और टर्मिनल जी को कौन कौन जानता है बताओ धर्मेंद्र जी को कौन जानता है अरे वो आगे का पंचलाइन भुला गया आगे का पंचलाइन अभी शांत रही अभी कुत्ता व्यस्त है कहीं और व्यस्त है अभी व्यस्त है और बिल बिक्री बाकी अखिलेश चौधरी भैया मैं यूपी हूँ भैया मैंने कहा अगर आप लोग यूपी में कहीं विकास करना हो हमारे लखनऊ में वहाँ पे विकास कर आराम से भैया आराम से जाइए भैया यानी कि कोमल पाँव रख के जाइए ठीक है कोमल पाँव रख के धब धब वाला है बहुत डर लग रहा है हमको नहीं यानी हम बगल में हैं ऐसे कैसे गिर जाओगे हाँ दीदी सांस गिरूंगे तब कहीं देखो कोई बात नहीं मैं ऐसे गिरा लूंगी ओके।